मेरा ऐसा क्यों मानना है कि सौरभ जोशी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है। डिस्क्लेमर, इस वीडियो का एम किसी भी यूट्यूबर और आर्टिस्ट को लेकर हेट स्प्रेड करना नहीं है। इस वीडियो में मैं जो भी बोलूँगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो पे कमेंट या डिसलाइक करने से पहले आप वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखें, फिर आपका जो ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो आप सभी ने वो डायलॉग तो सुना ही होगा, बड़ी शक्तियों के साथ आती हैं बड़ी जिम्मेदारियां, फ्रॉम द मूवी स्पाइडरमैन। तो मेरा यहाँ ये कहने का क्या मतलब बनता है, पहली बात मैं यहाँ सौरभ के आर्ट चैनल के ऊपर बात कर रहा हूँ, ना कि उनके ब्लॉग चैनल की। तो आज इस टाइम पर सौरभ जोशी आर्ट इंडिया के सबसे बड़े आर्ट चैनल में से एक है, बट पिछले कुछ टाइम से मैंने नोटिस किया है दैट ही इज़ नॉट सीरियस टुवर्ड हिज आर्ट चैनल। तो हो सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि वो बिजी है अपने दूसरे चैनल पे जहाँ उन्हें ज़्यादा व्यूज़ एंड ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, पीपल चेंज विद टाइम एंड कभी कभी कुछ लोग चेंज नहीं भी होते हैं। बट अब जो मैं बोलने वाला हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। सी, सौरभ जोशी आज के टाइम पर सिर्फ एक आर्टिस्ट या एक ब्लॉगर ही नहीं है बल्कि काफ़ी लोगों की इंस्पिरेशन भी है। बहुत से यंग किड्स एंड बहुत से यंग पीपल उन्हें फॉलो कर रहे हैं, उनसे इंस्पायर्ड हुए हैं। एंड इसका एक एग्जांपल तो आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा अगर आप सर्च करते हैं जाके। तो अभी बात आती है कि अगर आपका फेवरेट आर्टिस्ट और यूट्यूबर और वो पर्सन जिससे आप इंस्पायर्ड हुए हैं वही सीरियस नहीं होगा अपने काम को लेकर, अपने पैशन को लेकर, तो डेफिनेटली इसका असर आप पर भी होगा। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कैसे बोल सकता हूँ कि सौरभ जोशी जो है वो अपनी आर्ट, अपने आर्ट चैनल को लेकर सीरियस नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे एक क्लिप दिखाता हूँ, इससे आपको कुछ आइडिया ज़रूर मिलेगा। मेरे को तो कभी नहीं हुआ आर्ट ब्लॉग में, मैं तो बनाता है तो कुछ कुछ मेरे जो इतनी सारी फोटोग्राफ मेरे पड़ी रहती है रेफरेंस के लिए, बस मेरा ये मन करता है यही बनानी, यही बनानी सीखना है, ये टेक्सचर किस तरह से बनाना है, इसका टेक्सचर किस तरह से बनाना है, मेरे को तो आज तक नहीं हुआ है। अच्छा, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है मतलब मैं खाली नहीं बैठ सकता एक सेकंड के लिए भी। तो ये क्लिप 1.5 साल पुरानी थी और यहाँ देख के तो यही लगता है दैट ही इज सो पैशनेट टुवर्ड हिज आर्ट, क्योंकि उन्होंने कभी आर्ट ब्लॉग फेस ही नहीं किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आर्ट ब्लॉग किस चिड़िया को कहते हैं। ये वो समस्या है जब एक आर्टिस्ट के पास कोई आइडिया नहीं होता कि वो क्या ड्रॉ करे या वो कुछ ड्रॉ ही नहीं कर पा रहा हो। तो एक नज़र हम सौरभ जोशी आर्ट की पहली और आपकी वीडियोस पे डालते हैं। तो पहले की वीडियोस जो थी वो रेगुलर थी एंड उन वीडियोस में वैल्यू भी थी, बट नाउ ऐसा लग रहा है कि बस चैनल को डेड होने से बचाने के लिए सौरभ उन पे पोस्ट कर रहा है एंड वो भी महीनों महीनों बाद, और फाइनली उन्हें याद आ गया हो कि मेरा आर्ट चैनल भी है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा आप ही लोगों का कहना है। हाउ सौरभ हेल्प टू ग्रो आर इंडियन आर्ट कम्युनिटी। सी, आज के टाइम पे सौरभ के पास एक ह्यूज अमाउंट में ऑडियंस है और एक ऐसी ऑडियंस है जो उन्हें फॉलो करती है, उनके जैसा बनना चाहती है। तो अगर सौरभ अपनी इस एडवांटेज को यूज़ करके लोगों को अवेयर करते हैं आर्ट के बारे में, आर्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में, इससे रिलेटेड करियर के बारे में, इससे होगा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुँचेगी एंड दिस विल हेल्प टू ग्रो आर इंडियन आर्ट कम्युनिटी। बिकॉज आज भी ऐसी बहुत सी सिटीज़ हैं, बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ लोगों को पता तक नहीं है कि लोग आर्ट करके भी अपना करियर बना सकते हैं एंड वो बस आर्ट को एज अ हॉबी और एज अ पैशन ही समझते हैं। तो ऐसे में कोई बड़ा यूट्यूबर लाइक सौरभ अगर कोशिश करे तो शायद आने वाले टाइम में हम जैसे छोटे आर्टिस्ट को इतना स्ट्रगल ना करना पड़े। तो एंड में मैं बस यही कहूँगा कि हो सकता है शायद आपको इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर बुरा लगा होगा कि मैं आपके फेवरेट यूट्यूबर के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता हूँ, बट मुझे ये मैसेज उन तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल ऐसा चूज़ करना पड़ा। सो प्लीज़ गाइज, इस वीडियो को सौरभ जोशी तक पहुंचाने के लिए मेरी हेल्प करें। एंड वो आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।